हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राघव। द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नए कोड इग्नाइटर को कैसे डाउनलोड करते हैं और सम रूल टू फॉलो इन कोड इग्नाइटर। जैसे हम कोड इग्नाइटर में कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, और कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टू सेटिंग अप न्यू कोड इग्नाइटर। तो जब हम एक नए कोड इग्नाइटर को सेटअप करते हैं तो कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। स्टेप्स में है पहला, डाउनलोड कोड इग्नाइटर, अनजिप इट। ठीक है, तो इतना पहले हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कोड इग्नाइटर को सेटअप कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं और जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो कैसे हम सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, codeigniter.com नाम की वेबसाइट है। इसमें आप जाओगे और यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, codeigniter 3, जो कि करंट वर्जन ऑफ फ्रेमवर्क है, जो करंटली यूज़ हो रही है। ठीक है, ये है आपका बीटा वर्जन जो अभी आने वाला है और ये करंटली यूज़ हो रही है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरह की zip फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, कोड इग्नाइटर 3.1.11 वर्जन। ठीक है, इसे आप क्या करोगे, अनजिप करोगे। तो क्या करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट हियर यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो क्या हमें मिल जाएगा, ये पार्ट। ठीक है, ये फोल्डर हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को उठाते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद कहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं इसको, इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे सी फोल्डर में जाके। ठीक है, आप सी फोल्डर में जाओगे, सी फोल्डर में जैम में क्लिक करोगे, जैम के बाद एस टी डॉक्स में क्लिक करोगे, और वहाँ पे जाके आप इसे क्या करोगे, कोड इग्नाइटर को हमने यहाँ पे रीनेम करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे आप ओपन कर लो। ठीक है, तो ओपन करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एप्लीकेशन हमारा जो मेन एप्लीकेशन है वो इसी के अंदर होता है। ठीक है, पूरे कोड जितने भी होते हैं सब इसी के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, कंट्रोलर, और ये मॉडल हो गया, और ये क्या हो गया, व्यू हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कैसे डाउनलोड करते हैं, अनजिप करके भी देख लिया। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो रन करते हैं इसे हम। तो रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोकल होस्ट लिखोगे कि लोकल होस्ट पर रन कर रहे हैं, और कोड इग्नाइटर का जो आपने नाम दिया है कुछ भी आप दे सकते हो, कोड इग्नाइटर, चाहे कोड इग्नाइटर 1, 2, 3, चाहे आप कोड जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो आप नाम दे सकते हो। तो इसको आप रन करोगे। ठीक है, तो रन किया तो हमें क्या गया, वेलकम टू कोड इग्नाइटर द पेज यू आर लुकिंग, मतलब ये क्या है, व्यू है पूरा। तो दिखा देता हूँ मैं क्या है इसमें, कोड इग्नाइटर ये हो गया। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, वेलकम डॉट पी एच पी चल रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने लोकल होस्ट कोड इग्नाइटर लिखा, ये वाला फंक्शन, ये वाला कंट्रोलर चल रहा है, नाम क्या है, वेलकम डॉट पी एच पी। क्यों चल रहा है, इसका जो रीज़न है ये है कि जो राउट्स है इसमें हमने डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या सेट कर रखा है, वेलकम। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें रन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये स्टेप्स देखते हैं। तो रन कोड इग्नाइटर बिफोर रिमूव इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, रन कर लिया हमने नॉर्मली, रिमूव इंडेक्स डॉट पी एच पी सेट डॉट एस टी एक्सेस फाइल। तो पहले आप इस, ये स्टेप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल है कहाँ और कैसे हम रिमूव कर रहे हैं, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपना खुद का एक कोडिंग कंट्रोलर बनाया है, उसका नाम है टेस्टिंग डॉट पी एच पी। ठीक है, ये बनाया हमने, और इसी का मैंने एक व्यू बनाया है खुद का, ये है टेस्टिंग डॉट पी एच पी। ठीक है, इसमें हमने एक हेडिंग दी है, हाई दिस वन इज टेस्टिंग व्यू। ठीक है, तो इसे हमने इस व्यू को लोड कराया, टेस्टिंग व्यू को, यहाँ पे आते हैं हम पहले। ठीक है, राउट्स को यहाँ से हटा दो ये। ठीक है, तो हमने खुद का कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर में क्या किया, हमने इस व्यू को लोड करा दिया है। अब जब हमें इसे रन करना होगा, तो रन करने के लिए आप ये कहोगे कि मैं डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर इसको सेट कर दूं। ठीक है, राउट्स में हम, मैं क्या करूंगा, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर टेस्टिंग की जगह इसको मैं, सॉरी, वेलकम की जगह टेस्टिंग में कर देता हूं। ठीक है, टेस्टिंग, टेस्टिंग हमने कर दी। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या आ गया इसमें, कि जैसे कि ये टेस्टिंग व्यू है। मान लो अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे हमें नाम लिखना है हमारे, उसका नाम क्या था, कंट्रोल का नाम क्या था, टेस्टिंग, ठीक है। होता क्या है कि हमारे जब एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही कंट्रोलर हो, उसमें ढेर सारे कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रन करने के लिए कंट्रोलर का नाम तो देना ही पड़ता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, रन किया इसको, रन किया तो क्या गया, द रिक्वेस्ट URL वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोलर का नाम लिख रहे हैं तो ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम रन कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, index.php, ठीक है। तो index.php टेस्टिंग, यहाँ पे गलत हो गया है, TEST, ठीक है, टेस्टिंग होगा यहाँ पे। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे रन करके इसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये टेस्टिंग सही लिखा हुआ है, पिछली बार शायद सही नहीं था, तो यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं index.php, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये जाके रन हुआ, हमारा जो व्यू था वो लोड होके यहाँ पे दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जो ये URL है, URL को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, index.php को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो index.php को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, .htaccess फाइल हमें ऐड करनी पड़ती है, ऐड दिस फाइल पैरेलल टू द एप्लीकेशन फाइल, ठीक है। तो एप्लीकेशन फाइल कहाँ है, ये मतलब यहाँ पे, यहाँ पे आप आओगे और आप एक फाइल ऐड करोगे जिसका नाम क्या होगा, .htaccess, उसमें कोड क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहले आप एक नोटपैड ओपन कर लो, ठीक है, नोटपैड ओपन हो गया। अब इसमें index.php को रिमूव करने के लिए कौन सा कोड हम लिखते हैं, उसमें आप जाओगे इसमें, ठीक है, आपको सिंपली टाइप के आपके करोगे यहाँ पे टाइप करना है आपको ये चीज़, ठीक है, लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर यूज़र गाइड, जो आपका कोऑर्डिनेटर का, जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटर जो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेटर नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप सेट करोगे, उसमें एक फ़ाइल होती है पूरी, ठीक है, ये यूज़र गाइड दिख रही है आपको, ये यूज़र गाइड, इसी में सारा चीज़ है पूरा, आपको पूरे डायरेक्शन गाइड दिया गया है कि कोऑर्डिनेटर हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे कर लिया, लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर यूज़र अंडरस्कोर गाइड, यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिमूव इंडेक्स, ठीक है, सॉरी रिमूव, तो इंडेक्स रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने एक फाइल हमें ये कोड दिख रहा है आपको, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। और सेव हमें कहाँ करना है, आप जाओगे सी के अंदर, जैम STDocs, और हम किस पे काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेव कर देना है और नाम दे देना है इसका, .htaccess, ठीक है, क्या लिखना है, .htaccess, ठीक है, सेव कर दो आप, ठीक है, सेव कर दिया हमने। उसके बाद हम रन करते हैं इसको, अभी तक index.php लिखना पड़ रहा था, ठीक है, अब हम index.php के बिना चलाते हैं इसको, चल गया। तो हम क्या करते हैं, मैंने लिखा हुआ है इसमें कि when we remove index.php and run directly using route, then it is called URL rewriting. तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक तो हो गया URL सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को और भी कहते हैं URL rewriting कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया इसमें। तो फाइल हमने कहाँ पे ऐड की है, फाइल हमने इसके पैरेलल ऐड की है, यहाँ पे फाइल ऐड हो गया, देखो यहाँ पे ये .htaccess फाइल आप ऐड कर दोगे तो index.php की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट कंट्रोलर नेम इन राउटर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, आपको मैंने सेट करके दिखाया कि जिस कंट्रोल को हम रन करते हैं, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो जो पहला कंट्रोल रन होना चाहिए उसको हमने यहाँ पे दे दिया कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोल यहीं पे रन हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कि आप जाओगे ऑटो लोड में, ठीक है, ऑटो लोड में आप जाओगे, कॉन्फिग के अंदर ऑटो लोड होता है, इसमें आप सबसे पहले एक काम करोगे कि हेल्पर में आप क्या सेट कर दोगे, URL, ठीक है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैं बता रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, URL,
तो URL हमने सेटअप कर दिया, ठीक है। अब आओगे कन्फिग में, कन्फिग में लिखना होता है बेस URL, वो URL जो हमने हेल्पर लोड किया है, तो बेस URL हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं http://// लोकल होस्ट, और जो आपका नाम है कोडिग्नेटर, आपने दिया है तो कोडिग्नेटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा URL हो गया, ठीक है, बेस URL हो गया, कि आप जब भी कहीं इसको लिंक देते हो इसका, तो वहाँ पे ये चीज़ आप लिखते हो, जैसे कि मैं इसमें बताऊँगा कि कहाँ लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया कि हम बेस URL कैसे सेट करते हैं, ठीक है। और बेस URL सेट करने के लिए पहले हमें ऑटो लोड में जाके हेल्पर हमें अपलोड करना होगा। उसके बाद राउट का आपने हमने दिखाई दिया कि राउट में जाके डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमें सेट करना होता है। उसके बाद क्या होता है, डेटाबेस, डेटाबेस में आप आओगे तो जैसे हमें डेटाबेस के साथ काम करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है, यूज़र नेम, मान लो अगर आप PHP में एडमिन यूज करते हो तो यूज़र नेम क्या होता है, रूट, पासवर्ड कुछ होता नहीं है, और डेटाबेस का नाम जो होगा, मान लो यहाँ पर क्या रहेगा, db_name, तो आप जो भी डेटाबेस का नाम दोगे वो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिखोगे डेटाबेस का, ठीक है। जैसे कि अगर PHP में एडमिन खुला हुआ है तो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे प्रोटेक लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोटेक ये डेटाबेस का नाम है, ये टेबल्स के नाम है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लिखोगे। उसके बाद क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, कंट्रोलर फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। जैसे आप कंट्रोलर का नाम देते हो, ठीक है, ये कंट्रोलर ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कंट्रोलर बनाया टेस्टिंग, अब ये लाइन लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, डिफाइंड बेस पाथ और एग्जिट नो डायरेक्ट। तो ये क्या होता है, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हमने नाम दिया है, टेस्टिंग। तो क्लास जो हम यहाँ पे जिस क्लास को एक्सटेंड कराते हैं, ये तो करा रहे हैं, जिसकी हेल्प से कराते हैं, तो ये नाम और ये फाइल का नाम सेम होना चाहिए, तभी आपका रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। जैसे मान लो इसका नाम दे देते हैं टेस्टिंग 1, ठीक है, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, इसको आप रन करो, रन नहीं हुआ, जबकि ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये अगर क्लास में मैच नहीं कर रहा है तो रन नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि जब भी कंट्रोलर का नाम या फिर मॉडल का नाम, कंट्रोलर का नाम और मॉडल का नाम, ये कंट्रोलर हो गया और इधर क्या हो गया, मॉडल हो गया, तो जब भी कंट्रोलर मॉडल का नाम हम देते हैं तो क्या होता है, कैपिटल लेटर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे टेस्टिंग, टेस्टिंग, और मॉडल अगर मैं आपको एक बना के दिखाऊँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आप लिखोगे, testing_model.php, ठीक है। तो जब भी आप मॉडल का नाम स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें कैपिटल से लेटर से स्टार्ट करोगे। तो इसमें भी हमें क्या करना है, बेसिकली php, ठीक है, ये वाली लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए रिक्वायर होता है ये, कि डायरेक्ट एक्सेस ना करे कोई आपके इस, ठीक है। अब मॉडल जब हम लिखते हैं तो यहाँ भी आप क्या देखोगे, क्लास और मॉडल का नाम जो है वो यहाँ भी क्लास के नाम के साथ इक्वल होना चाहिए, testing_model, ठीक है, एक्सटेंड्स, इसमें क्या एक्सटेंड कराते हैं, ci_model, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, CI मॉडल को एक्सटेंड कराते हैं, उसके बाद अपनी कोडिंग जो आपको स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करोगे, ठीक है। और क्या स्टेप्स बचते हैं इसमें, कंट्रोलर नेम मॉडल नेम शुड बी स्टार्ट इन अपर केस, ठीक है, ड्यूरिंग कॉल इट इज़ रिटन ओनली इन लोअर केस। जब भी आप कॉल करोगे, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने इसे कॉल किया है, तो कॉल किया है तो क्या लिखा है, कैपिटल टी तो नहीं लिखा हुआ है, स्मॉल टी लिखा हुआ है। तो जब भी आप कॉल करोगे या फिर इसका कहीं भी लिंक आप दोगे तो क्या होगा, उसमें स्मॉल लेटर यूज करोगे। उसके बाद कंट्रोलर नेम हमने सेट कर ही दिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी कि अगर आप कंट्रोलर, सॉरी, कोडिग्नेटर यूज कर रहे हो तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। और ये हमने यहाँ पे व्यू लोड कराया है अपना, ठीक है, और व्यू लोड कराने के बाद हमने इसे शो किया हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने कवर किया है कि htaccess फाइल ऐड करते हैं index.php को रिमूव करने के लिए, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो हम सेट करते हैं जब हम कोडिग्नेटर पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और वीडियो को लाइक और शेयर करें,
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।